सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में अपन इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले, इससे क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। तो बेसिकली क्या रहता है, पेंडुलम क्लॉक जो है सिर्फ पेंडुलम क्लॉक और अनदर क्लॉक के लिए नहीं होता। तो पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, ऐसे क्लॉक रहता है और नीचे ऐसे पेंडुलम लटके रहता है। तो अपने को ये पता है कि अगर अपन क्या बोलते हैं, हीट के साथ अपना जो लेंथ है वो चेंज होता है, हाँ इसी पेंडुलम के लेंथ के चेंज होने के कारण से अपना टाइम भी यहाँ पे जो है ना चेंज हो जाता है, ठीक है, उसी के बारे में सारा का सारा डिस्कशन है। तो नॉर्मल में जब कुछ भी नहीं हो रहा है तब टाइम क्या होता है, 2π √L/g। जिसको पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता ये जो लेंथ है L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, उस पर डिपेंड होते हुए टाइम का एक फॉर्मूला होता है, इसको ये वाला बोलते हैं, ठीक है। कब के लिए, जब कोई बॉडी SHM कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसके लिए, ठीक है। अब एक अपना फॉर्मूला है, अगर मान लेते हैं लेंथ जो है बढ़ गया, ठीक है, पहले मान लेते हैं इनिशियली L नॉट लेंथ है, T नॉट टाइम के लिए, अब T डैश टाइम के लिए अपना लेंथ बढ़ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा √L/g हो गया, पहले L0/g अभी L/g। अब मैं अगर T'/t करूँ, 2π कट जाएगा, g कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, √L/L0 बचेगा क्या, हाँ। अब कोई बॉडी को गर्म करते हैं अपन, तो जो लेंथ आता है फाइनल लेंथ वो क्या आता है, L0 × 1 + α/Δt। कहाँ से आया ये, अपने ये पिछले दो लेक्चर से अपन ये पढ़ रहे थे ना, क्या बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, उससे आया, ठीक है। तो उससे आया, L की ये वैल्यू डाला तो ये आया L0 × 1 + α/Δt, ठीक है, और नीचे आया L0 से N0 कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा, 1 + α/Δt का पावर हाफ बचा, हाँ। तो क्या आ जाएगा ये, T'/t। अब क्या होता है यहाँ पे, जब ये सब ये चीज़ बहुत छोटी होती है ना, तो ये हाफ को अपन सामने ले आते हैं, ठीक है। तो ये होता है 1 + α/Δt, ठीक है, ठीक है। अब 1 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T'-t/t √2 × α/Δt, ठीक है, ये हो जाएगा। रुक जाओ एक सेकंड, मैं कुछ गलत लिख दिया हूँ क्या, ये डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, और ये कैपिटल टी क्या है, टाइम है। अब यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आ चुका है जिसको अपन बोल सकते हैं, ये कैपिटल टी क्या है, टाइम है, ये डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। इसको अगर अपन किसी और फॉर्म में भी लिखें, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये टी को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, √2 × α/Δt, ये टेम्परेचर वाला, × t इनिशियल वाला टाइम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक और फार्मूला बन गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक पेंडुलम क्लॉक है जिसमें आयरन रॉड रखा हुआ है, वो छोटा सा बॉब है उसके नीचे, मतलब वही पेंडुलम टाइप से छोटा बॉब है, और अपने पास क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 20 °C, मतलब उसको जो है 20 °C बढ़ाए हैं, ठीक है। हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो ऑन 24 आवर्स, मतलब अपने को 24 आवर्स के बाद, आफ्टर 24 आवर्स क्या होता है अपना जो है टाइम के साथ, वो बताना है, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी क्या टाइम चेंज है क्या, हाँ, तो जो चेंज इन टाइम है वो है डेल्टा टी, वो निकालना है अपने को। और ये डेल्टा टी क्या है, ये है क्या बोलते हैं अपना, ये टेम्परेचर, तो ये जो डेल्टा टी की वैल्यू है ये क्या 20 °C दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया। ये जो टाइम टी है उसकी वैल्यू क्या है, अपने पास ये 24 आवर्स दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे क्या, हाँ। अल्फ़ा की वैल्यू दी है क्या, हाँ, तो रख देते हैं, तो ½ × α कितना है, 1.2 × 10⁻⁶ α हो गया। अब डेल्टा टी कितना है, 20 °, तो ये 20 °, टाइम टी कितना, 24 आवर्स, 24 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 86400 आ जाएगा। सबको अपन अगर कैलकुलेट करें तो डेल्टा टी आ जाएगा अपना 1.04, एक सेकेंड, 10⁻⁶, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सब कट जाएगा, हाँ, 1.04 सेकेंड के आसपास आएगा।
मतलब 1.04 सेकंड या आ गया पीछे हो जाएगा टाइम अपना 24 आवर्स के बाद। ठीक है, होप इतना क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।